गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एनाफिजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फर्स्ट चैप्टर मतलब क्योंकि अपन ने अपनी लास्ट कुछ क्लासेस में अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पढ़ ही रहे थे, उसमें से हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर मेल फीमेल ऑर्गन एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली पूरी तरह से अलग होते हैं, पाए जा रहे होते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. ये दोनों ही मेल फीमेल जो है वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम गैमेट्स कहते हैं. मेल गैमेट्स को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के सिस्टम्स आते हैं. सबसे पहले जो हमने बोला, आज की क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जैसे स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, स्क्रॉटम. स्पर्म क्या है? मेल की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं. फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म सेल एग सेल के साथ में ज्वाइन होती है, फ्यूज होती है, तो उसको अपन फर्टिलाइजेशन कहते हैं. स्पर्म मेल की सेल है और एग ओवा फीमेल की सेल है. एग या ओवा फीमेल की सेल है, ये दोनों फ्यूज होंगे, उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे. टेस्टिस प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या ऑर्गन होती है. टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और प्यूबर्टी के दौरान फिजिकल चेंजेस, कुछ सर्टेन फिजिकल चेंजेस का को सिग्नल देता है, या सिग्नल उनको करवाता है, या चेंजेस लाता है. फिजिकल चेंजेस मेल में प्यूबर्टी के दौरान लेकर के आता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है. जैसे जो बॉडी हेयर्स की ग्रोथ है, वॉइस का भारीपन, एग्रेसिवनेस, बोन्स का अच्छे से डेवलप, मस्कुलर पार्ट का डेवलप होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन से होता है. स्क्रॉटम स्किन का एक सैक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का, जिसके अंदर टेस्टिस पाई जाती हैं, टेस्टिस रहती हैं उसके अंदर, डिसेंडेड रहती है. तो ये टर्मिनोलॉजी हो गई. इसमें फिर कुछ और पार्ट, जैसे पेनिस, ये एक्सटर्नल मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो कि बॉडी से स्पर्म को रिलीज करता है, या जिससे स्पर्म जो है वो बॉडी से निकलते हैं, वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन, एक्सटर्नल मेल सेक्सुअल ऑर्गन है पेनिस. नेक्स्ट है सीमन. इसमें स्पर्म और फ्लूड जो है वो मिक्स होते हैं, स्पर्म एंड फ्लूड का मिक्सचर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो मिक्सचर है सीमन. इजैक्युलेशन, सीमेन को पैनिस से बाहर निकालना, इजेक्ट करना ही इजैक्युलेशन कहलाता है. और इनफर्टिलिटी, जब कोई मेल या फीमेल रिप्रोड्यूस करने में अनेबल हो जाता है, उस कंडीशन को अपन इनफर्टिलिटी कहते हैं, कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता. अब आ जाइए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास में कुछ टर्म्स ही पढ़ी थी. अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस, जिसको अपन गोनाड्स कहते हैं, मेल गोनाड्स, इसके अलावा स्क्रॉटम, सेमिनल वेसिकल या सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ब्लैडर, ब्लैडर के पास में प्रोस्टेट, ये यूरेथ्रा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पैनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और स्क्रॉटम में डिसेंड हुई भी टेस्टिस. अब फंक्शन क्या होता है भाई इसका? स्पर्म को प्रोड्यूस करना और प्रोटेक्टिव फ्लूड बनाना. किसका काम है? टेस्टिस का काम है ना, स्पर्म को प्रोड्यूस करना और प्रोटेक्टिव फ्लूड को प्रोड्यूस करना, जिसको आप सीमेन कहते हैं. दूसरा, ये स्पर्म को डिस्चार्ज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है. मेल सेक्स हार्मोन कौन सा भाई? टेस्टोस्टेरोन. ये एनाटॉमी देखिए अच्छे से, सिग्मॉइड कोलन दिखाई गई है, यहाँ रेक्टम है, ब्लैडर, प्यूबिक बोन, और इसके पास में सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट,
अच्छे से लाइन वाइज देखते जाइए भाई आप। इजैक्युलेटरी डक्ट के साइड में ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये छोटी सी काउपर्स ग्लैंड, ये पीछे एनस का पार्ट है। फिर आप टेस्टस को देखना स्टार्ट करिए जो स्क्रॉटम के अंदर डिसेंडेड है। ये टेस्टस आगे खुल रही है एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस आगे जाकर वासा डिफरेंस में, और वासा डिफरेंस फिर यहाँ से होती हुई ये पेनिस के पार्ट में कॉर्पस कॉवर कैवरनोसम के अंदर ये ग्लांस पेनिस दिखाई गई जो कि फॉरस्किन से कवर्ड रहती है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। एडोलेसेंस स्टेज जिसको आप प्यूबर्टी कहते हैं 9 से 14 साल की उम्र में शुरू होती है। एबनॉर्मली कई बार अर्ली हो जाती है तो उसको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी कहते हैं, और अगर ये डिले हो रहा है इसके अंदर तो यूनोकॉइडिज्म यूनियोकॉइडिज्म कहलाती है। तो इसमें एबनॉर्मलिटी काफ़ी कई बार थोड़ा 9 साल से पहले आ जाती है और कई बार 14 से भी बाद में ये प्यूबर्टी कुछ लोगों में देखने को मिल रही होती है जो कि एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करती है थोड़ी बहुत। अब जनरल फिजिकल चेंजेस क्या आएंगे मेल के अंदर, तो पहला तो एक्सटर्नल और इनर जिनाइटल पार्ट जो है वो एनलार्ज हो जाएंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल जिनाइटेलिया एनलार्ज हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, भारीपन आ जाता है, मर्दों की आवाज़ जैसे कहा जो जा रहा होता है तो वॉइस चेंज होती है, हेयर ग्रोथ बॉयज़ मेल्स के अंदर आप हेयर देखिए, हालांकि ठीक है स्मॉल हेयर्स मेल्स फीमेल्स दोनों पाए जा रहे होते हैं पर फीमेल्स के हेयर्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि मेल में काफ़ी बड़े डार्क इरेक्टाइल या कर्ल्ड हेयर्स होते हैं, कर्ली हेयर्स है ना। इसके अलावा मेंटल चेंजेस लेकर के आता है ये सिस्टम, दिमाग भी अलग अलग चीज़ों पे जाने लग जाता है, अलग अलग बातें सोचने लग जाता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे तो जो बचपन में नहीं आते हमारे दिमाग के अंदर वो एडोलेसेंट एज के अंदर आ रहे होते हैं। इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड का सीक्रीशन हो जाता है जिससे कि, और वो सीक्रीशन थिकन होता है जिससे कि एक्ने की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो प्यूबर्टी के दौरान चेहरे के ऊपर फुंसियाँ हो जाती है और वो काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी सी मोटी मोटी सी फुंसियाँ जिसको आप एक्ने कहते हो। सिंपल सिंपल फुंसियों को तो अपन क्या कहते हैं पिंपल्स, और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं कॉम्प्लिकेटेड पस से भर जाती है तो वो एक्नेज कहलाती है। सेबेशियस ग्लैंड के ओवर सीक्रीशन से होता है जो प्यूबर्टी में हो रहा होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने आज स्टार्ट कर लिया। अब जो जितने भी अपन ने नाम पढ़े थे टेस्टस वगैरह स्क्रॉटम वगैरह वो सब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन, तो थैंक यू क्लास।